प्रकार का दान दानी होता है, उसमें सबसे उत्तम दानी कौन है? एक दानी होता है कटहल की तरह, एक दानी होता है आम की तरह, और एक गुलाब की तरह। गुलाब की तरह कौन होता है? सुनना जरा बलरामपुर वालों, गुलाब में सिर्फ फूल होता है, फल नहीं होता है। ऐसे दानी जो पहले मिलेंगे कहेंगे, अरे आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे, पूछो मत। और फिर बाद में फोन स्विच ऑफ, मीटिंग में बाहर, इधर निकल गए उधर निकल गए, यही ना होता है? गुलाब की तरह वो दानी है। दूसरे दानी है आम की तरह। आम में पुष्प फल तो फूल तो बहुत आता है, पर फल कम आता है। जो 10 रुपए देकर के 20 जगह गाते हैं, अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले भागवत में। अच्छा वहां जो परेड ग्राउंड में हो रही है, हाँ मैंने भी वहां पे 50,000 की रसीद कटवाई है। चलो जाओ अपनी ही भागवत है। जब तक 70 जगह गा नहीं लेंगे तब तक इनका पेट नहीं भरेगा। ये आम की तरह होते हैं। और तीसरे दानी कटहल की तरह, जो सबसे उत्तम है। कटहल में कभी भी फूल नहीं आता है, जब भी आता है फल आता है, और वो फल बहुत बड़ा आता है। ऐसे दानी जो दान तो बढ़ चढ़ करके कहते हैं, पर इस हाथ से दिया इस हाथ को भी पता नहीं चला, जो ये भावना रखते हैं वो सबसे उत्तम दानी माने जाते हैं। हमारा भोला भी ऐसे ही है, भोलेनाथ भी ऐसे ही है, निस्वार्थ सेवक है। ये शिक्षा प्राप्त करो ना। एक अच्छा गृहस्थी कैसे बने, यह भी शंकर से सीखो। जब राजा दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का अपमान कर दिया, सती को नहीं आके बताया तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा अपमान हो जाए, मजाक हो जाए, सबसे पहले बीबी को मारना शुरू कर दोगे? है तू खड़ी रही, मेरा अपमान हो गया? लेकिन भोले बाबा एक अच्छे गृहस्थी भी है, अपमान हुआ पर कहा नहीं सती से। वो तो जब बाद में सती ने पूछा, आकाश में विमान जा रहे थे, भी कथा सुनाएंगे आपको, तब शिव जी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो भगवान शंकर के ये गुण भी सीखा करो। पर क्या बताऊं, ये गुण हमें कहां समझ में आते हैं? हमें तो वही बस दिखाई देता है, वो गांजा ले लिया, भांग ले ली, बोले बस हो गए भोलेनाथ के भगत। नहीं नहीं भैया, भगवान शंकर दानी है, तपस्वी है, साधक है। हमें अच्छी चीजें किसी की समझ में नहीं आती, हमें आजकल बुरी चीजें समझ में आती। भगवान कन्हैया के बारे में लोगों ने यह अफवाह फैला रखी कि वो तो एक रसिया टाइप के आशिक थे। राम राम राम, बोले उन्होंने रासलीला करी, 7 वर्ष की उम्र में रासलीला करी, और रासलीला में कुछ कोई भोग लीला नहीं थी, मान लो थी, मान लो तुम कहते हो, तो ये बताओ भगवान कृष्ण ने तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तुम बलरामपुर दिखा दो तो जाने, बराबरी करते हो कन्हैया की? बलरामपुर, अरे बलरामपुर छोड़ो, तुम परेड ग्राउंड दिखा दो। भगवान कन्हैया तो कालिया नाक पे नाचे थे, तुम एक फन वाले नाक पे नाच के दिखा दो। भगवान ने तो गीता में लगभग 600 श्लोक सुनाए, तुम 10 श्लोक सुना के दिखा दो, वो बराबरी। आजकल इंसान अच्छाइयों की बात नहीं करता है दूसरे के, दूसरों के बुराइयों की बात करता है। कोई नेता मंत्री उसने कुछ अच्छा बनवाया उसकी बात नहीं करेगा, एक गड्ढा कहीं हो गया मान लो गलती से, वही फोटो खींच के डाल देगा, ये सड़क तो ऐसी है वैसी है, और पीछे से अच्छी बन के आई उसकी चर्चा कभी नहीं करे। आप किसी की अब बुराइयों को न पकड़े, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसकी अच्छाइयों को ऑब्जर्व करें, तभी आप सफल हैं, अन्यथा आप सफल नहीं हैं।